बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फिंगर फिश बिरयानी, या फिश बिरयानी कह रहे हैं। फिश पुलाव बिरयानी की इतनी ज्यादा आसान तरकीब बताऊंगी कि शायद ही आपको YouTube पर पहले किसी ने इस तरह फिश पुलाव बिरयानी पकाना बताई होगी, और ना ही इतनी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स बताई होंगी कि ना आपकी फिश टूटेगी ना बिखरेगी और बहुत ही ज्यादा अच्छी और मजेदार जायकेदार बिरयानी तैयार होगी। लोग आपकी तारीफें करेंगे, तो फिर मेरी रेसिपी को आखिर तक देखिएगा ताकि अच्छी तरह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। आप हड्डी वाली फिश भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कांटे वाली फिश लें तो आप उसमें देखें कि एक ही कांटा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कांटों वाली फिश जो है चावलों को ख़राब कर देगी और फिर आपके लिए मुश्किल होगी, कांटे बिखर जाएंगे उसमें। और ये फिंगर फिश लें तो ज़्यादा ही अच्छा है। मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा फिंगर फिश है, तकरीबन ये एक किलो के करीब करीब होगी, मगर थोड़ी सी कम है। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक जाएगा और 1 टेबल स्पून ही इसमें सिरका जाएगा। नमक, सिरका और ये थोड़ी सी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी है। इसको हम अच्छी तरीके से लगा के 1 घंटे या आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसकी स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इससे बदबू नहीं आएगी। वो फिश की एक खास स्मेल होती है, वो फौरन ही की वजह से दब जाती है। ये तीनों मसाले आप लगा के रख दें, आप करके देखिएगा, ये बहुत जबरदस्त असर करने वाली टिप है मेरी। आधे से पौन घंटा गुजर चुका है, अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून काली मिर्च डाली है हमने, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च है, 1 टीस्पून ही गरम मसाला है। अब हम इसमें साथ ही बिरयानी मसाला जो कि होममेड है वो ऐड कर देते हैं, ताकि थोड़े स्पाइसेस भी ऐड हो जाएं और पुलाव का फ्लेवर भी आए। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये ऐड करेंगे, पिसी हुई हरी मिर्च है 2 टेबल स्पून। ये मत समझिएगा कि बहुत तेज मिर्च हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि चावल होंगे और जो है मिर्च भी बिल्कुल बैलेंस रहेगी। नमक को भी हम चावल में बैलेंस करेंगे। अभी हमने 1 टेबल स्पून नमक डाला था और हम चावलों में चावल के हिसाब से नमक डालेंगे तो सब बैलेंस हो जाएगा। 2 बड़े चम्मच भर के हम दही डालेंगे, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून हो जाएगा। फिर मिक्स कर लेते हैं इसको। आधे घंटे बाद इसमें तली हुई प्याज शामिल करेंगे और फिर इसको फौरन ही दम दे लेंगे। अब इसमें हम तली हुई प्याज ऐड कर देते हैं, ये घर की तली हुई प्याज है इसलिए ये इस तरह हो रही है, मैंने बाजार की तली हुई प्याज इस्तेमाल नहीं की है। और ये घी में फ्राई हुई भी है, आप लोग भी जब भी प्याज फ्राई करें तो घी में ही किया करें, बहुत अच्छी सी स्मेल और अरोमा उठता है इसका। हल्के हल्के मिक्स कर लें बस, और बस अब इसको दम लगाएंगे। फिश बिरयानी बहुत आसान होती है, बहुत क्विक बनती है, बहुत ही ज़्यादा। कांटे वाली फिश मैं इसलिए मना करती हूँ कि बच्चे अक्सर इस बात का ध्यान नहीं रखते कि कांटा फंस जाए और फिर बड़ा मसला होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर कभी ऐसा मौका आ जाए, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कि आपके किसी बच्चे के हलक में या किसी के भी हलक में कांटा फंस जाए, तो फौरन रोटी के टुकड़े को सिरके में डुबो के और बच्चों को खिला दें, तो उसी वक्त कांटा जो है वो नीचे उतर जाता है। ये वही घी है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी और मैं इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। फिश ऐड करेंगे इसमें, फिश बिरयानी की तरकीब यही है, इससे आसान और अच्छा हल यही रहता है, फिश को ऊपर से ही दम दें। इस तरह फिश बिरयानी लजीज और बेहतरीन बनती है। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ, 1 कनी चावल पसा लिए हैं मैंने, अब ये मैं ऐड करूँगी। अच्छा, मैंने जो है इसमें 3 टेबल स्पून नमक डाल के चावल पसाए थे, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। इसको 5 मिनट के लिए स्टीम ले लेंगे ताकि चावल प्रॉपर तरीके से फूल जाए, दम हो जाए, फिर हम इस पर मछली बिछाएंगे, मछली का मसाला, फिश बिरयानी का मसाला बिछाएंगे। ये फिश बिरयानी का मसाला तैयार हो चुका है, तो हम इसको किसी पैन में या किसी प्याले में ऐसे निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इसे ऊपर बिछाएंगे। एक ट्रिक है मेरी जो मैं हमेशा से इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग भी करके देखिए, आपको भी कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, फिश टूटेगी नहीं। तो फिर अब देखें, ये मसाला बच गया है ना, अब हम इसको चावल में अंदर तह में लगा देंगे, थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, थोड़ा सा बिरयानी का गरम मसाला जो बिरयानी में कोनों में डलता है वो थोड़ा ऐड करेंगे, थोड़ा सा वो मसाला ऐड करेंगे जो बिरयानी का मसाला बना के रखा था,
ये मसाला सिर्फ फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ, बहुत ही मामूली सा ताकि खुशबू आए, इसकी खुशबू उठेगी तो वो बहुत ही लज्जत देगी। थोड़ा सा पुदीना ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, खुशबू के लिए ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चें, हरा धनिया, और अगर आप चाहें तो सोया भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि फिश बिरयानी की लज्जत बहुत अच्छी आती है सोया डालने से। सिंधी बिरयानी होती है फिश बिरयानी, सिंधी बिरयानी, इसमें खास तौर पर सोया ही ऐड किया जाता है तो इसकी खुशबू बहुत उठती है। चावलों को चेक कर लेते हैं, ये देखो चावल भाप उठ रही है चावलों में, हल्की सी बिल्कुल दम होने के पे आ चुके हैं। थोड़ी फिश ऐड कर देते हैं इसमें, पूरा जो हमने फिश का मसाला बनाया था ऐड करेंगे ताकि ये साथ साथ दम हो जाए, अब इसका फ्लेवर भी आ जाएगा और ये टूटेगी भी नहीं, बस मिक्स करनी है। और जब इसको सर्व करेंगे हम इसमें से डिश आउट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही ज़बरदस्त सी। 5 मिनट इसे बंद करके रखना है और बिल्कुल धीमी आंच पे, धीमी आंच भी नहीं बल्कि अगर बहुत सारी भाप है तो बस ऐसे ही बगैर चूल्हा जलाए आप जो है स्टोव बंद करके इसको ढक के छोड़ दीजिएगा 5 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दीजिएगा। टाइम लिमिट सिर्फ 5 मिनट है और अब आप ये देखें कि 1 घंटे में तैयार हो गई, इतनी जल्दी तैयार होती है क्योंकि फ़िश को गलाना नहीं पड़ता ना चावलों के साथ बहुत देर तक दम देना पड़ता है क्योंकि गोश्त ऐसा है नहीं, ये बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही नाजुक होती है तो फौरन गल जाती है। तो हमारी फ़िश तकरीबन रेडी हो चुकी है, बस अब हम इसे सर्व करते हैं, इंशाल्लाह निकालते हैं। हरा मसाला ऐड कर देते हैं जो हमने बचाया था, फिश बिरयानी ज़बरदस्त लजीज सी मज़ेदार सी तैयार है। मेरी फ़िश बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, तुम लोग ज़रूर मुझे बताना, इंतज़ार करूँगी। शेयर करना मेरी वीडियो को, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।